Hello everyone, I'm Monica Samaz. This is the first class of class 8 of session 2021-22. Okay, and this is your book, Absolute Mathematics 8. And this is the content of the book, which having from chapter 1st to chapter 16. The first chapter is rational number. The second one is linear equations in one variable. The third one is understanding quadrilaterals. The fourth one is practical geometry, construction of quadrilaterals. The fifth one is data handling. The sixth one is squares and square roots and so on. And the last chapter is playing with numbers. Okay, let we start chapter 1st, rational number, and this is the brief introduction, okay, of chapter 1st. This is chapter 1st, rational numbers. As you all know about the numbers, the first one is natural numbers. The counting numbers are called natural numbers. अब देखो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो numbers क्या हैं? आपके counting numbers हैं, उन्हीं को natural numbers भी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर्स. एंड द सेकेंड वन इज होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है, मतलब अगर जीरो को कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ में, तो वो उसको स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे. ठीक है, इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? द होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर. मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे. ठीक है, और टुगेदर इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिकली इंटीजर्स बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा आपको नंबर लाइन में दिख रहा है, ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट में. ठीक है, जीरो इज द मिडिल टर्म एंड फ्रॉम राइट देयर इज पॉजिटिव नंबर्स एंड दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. एंड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द जीरो इज द नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, जीरो के राइट में क्या है? आपका पॉजिटिव नंबर्स है, +1, +2, +3. मैंने बताया था आपको, आपका नंबर लाइन में आपको प्लस नहीं दिख रहा होगा, तो जरूरी नहीं है प्लस यूज करना. आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, मतलब वो राइट है. ठीक, अब -1, -2, -3, -4 ये कहां पे होंगे? आपके लेफ्ट हैंड साइड में. और +1, +2, +3, +4, +5 ये कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड में. प्लस मैं कहाँ बोल रही हूँ? ये देखो, ये बेटा, ये प्लस. ठीक है, ये प्लस. ठीक है, अब देखो, ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से. अब रेशनल नंबर्स पे आते हैं. रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. P इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड Q इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, जो मैं बताने वाली हूँ आपको. आपने क्या पढ़ा है हमेशा? ये आप, ये P अपॉन Q, ठीक है, ये रेशनल नंबर का पार्ट है. ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको. इसको बोलते हैं P, क्यों बोलते हैं? न्यूमिनेटर. ठीक है, इन शॉर्ट एन यू मैंने लिखा है. और Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर, इन शॉर्ट मैंने D लिखा हुआ है इसको. ठीक है, आप यहां ध्यान से देखना, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती. मतलब यहां पे आपका जैसे वन, मैंने P की वैल्यू वन ली, तो अपॉन में जीरो अगर है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है. और क्यों नहीं है रेशनल नंबर? क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा किसके? इनफाइनाइट के. ध्यान से देखना, ऑलवेज याद रखना कि अगर कभी भी जीरो से आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है. और इसको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो नहीं बनते ना, वो ऐसा ही कुछ आता है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनते कि आपको जीरो से डिवाइड करना है तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा. ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो. सपोज आपने ले लिया, ये तो वन तो बहुत छोटा नंबर हो गया. सपोज आपने ले लिया 32, 55, 67 इज डिवाइड बाय जीरो. कहीं पे आपको ये सॉल्व करना है और फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो कितना आएगा आंसर, तो आंसर हमेशा बेटा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा. क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा. ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती.
ठीक है। और पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, मतलब आपका पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, माइनस वन अपॉन टू, माइनस थ्री अपॉन टू, फाइव अपॉन टू, सिक्स अपॉन टू, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और एक बात और मैं बता देती हूँ, इसे लिखा हुआ है थ्री, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे मैम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं है। सिंपल सी बात है, पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि थ्री अपॉन वन, ये वन साइलेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट इन बोर्ड, ओके। और हाँ एक बात और, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोट्स जो आप बनाते हो ना, और फिर आपको दिक्कत होती है, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे नोट्स रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब एटलीस्ट कर लो, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कर देना।